पफ पेस्ट्री की रेसिपी लेके आए हैं। ऐसी पफ पेस्ट्री जड़े ने एदा जड़ा सारा मटीरियल ए बाजार दा है। इंशाल्लाह ताला तुहानू बहुत जल्द एदा आटा गुन्ना भी सिखावांगे कि उन्हें किस तरह गुन्नीदा है। तो फिलहाल मौजूद नहीं सी ते असी रेडीमेड ही ले लई है। तो इहनू किस तरह बनाईदा, इहदे विच जो जो समान इस्तेमाल होएगा, असी चिकन इहदे विच इस्तेमाल करांगे। चिकन नू बॉयल करके असी श्रेड कर ले और छोटे छोटे पीस करते, प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर ते हरियां मिर्चां इसे इस्तेमाल करांगे। प्याज जड़ा असी छोटे वाला एक ले लिया, दो चम्मच असी लहसुन अदरक का पेस्ट, ते एक छोटा प्याज, एक छोटा टमाटर ले लिया, ते तीन चार छोटियां हरियां मिर्चां असी ले लिया ने। ते उते असी जो पफ पेस्ट्री दे उपर लगावांगे गार्निश वास्ते असी तिल लए ने, थोड़ी जी कलवंजी लई है। ए ऑप्शनल है, अगर तुहाडी मर्जी है तुसी लगाना चाहो, पसंद है ते लगा लो, अगर नहीं पसंद तो तुसी इन्हें स्किप भी कर सकते थे। यह माइक्रोवेव ओवन नूं असी 15 मिनट वास्ते ना हीट होने वास्ते रख दिता है। यह 15 मिनट हीट होएगा, उस तो बाद असी इन्हें बना के ते इहदे विच लगावांगे। वन पैन लेके ते इहदे विच दो चम्मच ऑयल डाल ले, इहदे विच हुण असी चॉप किया है प्याज डालेंगे थोड़ा, हल्का जिहा फ्राई करांगे, ज्यादा नहीं इहनूं तुसीं ब्राउन करना या पकाना। ये पेस्ट्री दे विच जिहड़ा मसाला हुंदा है, जो चिकन वगैरह लग्गिया हुंदा है, वह असीं बना रहे हैं। हुण असीं इहदे विच लहसुन अदरक का पेस्ट पा लैंदे हां। थोड़ा जहा भुन लाँगे ताकि इस कोई शान वगैरह अगर तो लहसुन अदरक की जो स्मैल है खत्म हो जाए। हुण असीं इहदे विच टमाटर ते हरी मिर्ची डाल देने हैं। थोड़ी देर पकन देने हैं। इहदे विच हल्का जिहा असी पानी का छिट्टा लगाया है। हुण असी इहदे विच मसाले डाल देने, अद्धी चमक जिहड़े असी डालन लगे हैं धनिया पाउडर, छोटी एक चाय वाली चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, नमक तुसी अपना टेस्ट के मुताबिक डाल लेना, तो चौथाई हिस्सा असी हल्दी का डाल देंगे। हुण नाल ही असी इहदे विच चिकन डाल देने। ऐसे चिकन जिहड़ा श्रेड करके बॉयल किया सी उह इहदे विच डाल दिता है। तुसी चाहो तो साबत बोनलैस लैके उहदे छोटे छोटे पीस करके तो तुसी इस्तेमाल कर लो। अगर जल्द करना है तुसी तो फिर तुसी बॉयल करके पीसिस नूं रख लो, बोनलैस दे पीसां नूं, तो उहनां नूं इस तरह थोड़ा थोड़ा कट के छोटे पीसिस करके तो तुसी इहदे विच डाल दो, क्योंकि उह बॉयल हुंदा है तो मसाला तो तुहाडा रेडी हो जाएगा। ते बॉयल किते हुंदे ने ते फौरन ही मसाले च पक जांदे ने। हुण तुसी नमक पेस्ट अपना कर लो, अगर घट लग रहा तो तुसी डाल सकते जे। अगर हरी मिर्ची का तुसी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तुसी अपनी मर्जी के मुताबिक तुसी इन हरी मिर्ची डाल सकते जे। देखो हुण टमाटर जिहड़ा है इहदे विच मेल्ट होने लग पे,
छिलका लैदा हो मपे का हल्का जहा पानी का छिट्टा लगाने ताकि टमाटर इस जरा गल जाए तो मसाला अच्छा बन जाए। थोड़ा जहा पानी डालता है टमाटर ये अच्छी तरह गल जाएगा। दो मिनट वास्ते इन्हें छोड़ देने ताकि इस पानी अच्छी तरह पक जाए यदा पानी खुशक हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह देखो आ जरा यदा बैटर है और सारा रेडी हो गया अच्छी तरह यदि भुनाई होगी खुशबू भी आ रही है। इन हूँ असं 10 मिनट लिए रेस्ट देने ताकि ठंडा हो गए तो फिर इनू असं पफ पेस्ट्री के अंदर लगाने चूल्हा बंद करके फिर तंद हम ट्रे बेकिंग वाली है ये असी अलमोनीयम शीट लगाती अगर बटर पेपर तुहाडे कोल है तो तुम उन्होंने भी लगा सकते जो ये थोड़ा जहाँ असं ऑयल सुट के तो इनू ग्रीस कर देने अच्छी तरह च अच्छी तरह ना अलमोनीयम फॉयल के सारे साइड से तुम अच्छी तरह ऑयल लगा दो बटर लगा दो जो तुम लगाना पसंद कर दे जो है कि ये फिर नीचे नहीं चिपकेगा जोड़ा बैटर होएगा तुम पफ वगैरह पेस्ट्री जो बनाओगे तो नीचे नहीं फिर लगेगा। सारिया पट्टियां जड़िया पफ वाली ने उन्होंने असी तकरीबन 10 मिनट लिए फ्रिज तो बाहर निकाल के रखता से नरम हो गई हैं बिल्कुल मैदे वगर है आटा व जिस तरह तो ये हूँ लगा के तेन शेप देने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ज़्यादा नहीं फिल करना बस थोड़ा थोड़ा ये डाली जाओ तो तुसी जो अपनी पसंद की शेप देना चाहो तो तुसी इनू दे सकते जो गोल बनाना चाहो तो तुसी गोल भी बना सकते जो चौरस ट्रायंगल जिस तरह के भी तुसी बनाना पसंद करते जो इस तरह सारे दे विच डाल के फिर इन्हों असी बंद कर देने फिलिंग डाल के इच कुछ नहीं करना बस इन तुसी पकड़ के फोल्ड करो अगर खुला छोड़ना है तो तुसी इनू बस इत्थे रख के बंद कर दो बस अगर पूरा बंद करना है तो फिर इनू उठा के अच्छी तरह तुसी या तुसी उहदे कांटे की मदद नाल तुसी इनू बंद कर दो इस तरह रेडी करके एक साइड से तुसी रखते जो इनू जिहड़ा असी इस तरह चौरस कर लेंगे तो साइडां तो बंद कर लैंदे आ चौरस वाली रेडी है एक कांटा लेके ना इस तरह तुसी इन्हें प्रेस कर लो इसे तरह सारिया बना के तुम दिखा देने अलहम्दुलिल्लाह सब रेडी हो गए इनू हूँ असी बेक कर दें तुसी कोई भी इनू शक्ल दे सकते जे ये उत्ते हूँ तुसी अंडा है तो अंडा लगा लो बाज लोग नहीं खा अंडा पसंद करते तो यह तुसी दुध भी इस्तेमाल कर सकते दुध दे नाल इनू हल्का हल्का कोट करो तुसी इनू हल्का हल्का दुध लगा के अंडा है तो तुसी अंडा लगा लो दूध ना भी इतने शाइनिंग आएगी तो अंडे नाल भी बहुत अच्छी लुक ती शाइनिंग आती है।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਲਵੰਜੀ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੋਟ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਵੰਜੀ ਅਲੱਦਾ ਅਲੱਦਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਲ ਲਗਾਤੇ ਨੇ ਸਫੈਦ ਵਾਲੇ ਤਿਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੇਕਿੰਗ ਟ੍ਰੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਓਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। 180 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਬੇਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਡਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੁੱਕ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਦੁੱਧ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਤੋਂ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਛੇ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੈਡੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਠੰਡੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿੰਗ ਪਲੇਟ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ। ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਸੋ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਮਾਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਆਸਾਨੀ ਪਹੁੰਚਣ। 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਾਨੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣੇ। ਲੁੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਲੁੱਕ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਲੁੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੋਰ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।